दोस्तों, आप लोगों ने जैसा थंबनेल में तो देख ही लिया है कि बेसिकली यहाँ पे मैंने नथिंग फ़ोन को ना बाय करते हुए मैंने बाय किया सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A52s। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये 5G वाला वेरियंट है, कोई 4G वाला वेरियंट नहीं है। इसके फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लोग उसको साइड में रखेंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस जो यहाँ पे निकाल के दे रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल की निकाल के दे रहा है। बाकी मैंने ने यहाँ पे नथिंग फ़ोन 1 क्यों नहीं बाय किया, उसके बारे में तो आगे बात कर लेंगे। बाकी ये फ़ोन यहाँ पे मैंने एकदम नया बाय किया है, कोई सेकेंड हैंड फ़ोन नहीं है। इसके आप लुक्स आप इसके देख ही सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको मेजर स्क्रैचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे स्क्रीन ना इसके बैक पैनल पे। हालांकि मैंने इस वाले फोन को 2 दिन यूज किया टेस्ट करने के लिए बिना बैक कवर और बिना स्क्रीन गार्ड के, तो आपको माइनर डेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और ये फोन मैंने कोई यूट्यूब मनी से बाय नहीं किया, ये फोन मैंने अपनी खुद की सेविंग से बाय किया है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे फोन यहाँ पे मैं बाय कर पाऊंगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ अगर फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें इसका, तो यहाँ पे 6.5 इंचेस का यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है, फुल एचडी प्लस एमोलेड के साथ में आता है। 120 हर्ट्ज़ का एक फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश मिल जाता है, स्क्रीन काफ़ी स्मूथ काम करती है। लेकिन इसकी ब्राइटनेस मुझे इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सिर्फ सिर्फ हमको 800 निट्स की ही मिलती है। थोड़ी सी और बेटर होती तो अच्छा रहता, क्योंकि अगर बाहर जाते हैं आउटसाइड में धूप अगर बहुत तेज है तो उसमें डिस्प्ले हल्का हल्का विजिबल होता है, वो आप लोग देख ही पा रहे हैं, इतना अच्छे से नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी चिपसेट इसकी काफ़ी सही है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G मिल जाती है, काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग हो जाती है, 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे 15 वाट का फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाता है, हालांकि फोन जो है वो यहाँ पे 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे अंडर 30K तो आपको यहाँ पे कई सारे यहाँ पे कंपनीज और भी अच्छे यहाँ पे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने इसी वाले फ़ोन को मैंने क्यों चूज़ किया। इसका यहाँ पे सिंपल सा एक यहाँ पे रीज़न है, वो इसका सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको इसमें यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन में आपको 1 UI देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्मूथ यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो सैमसंग के ए सीरीज़ के जो फ़ोन होते हैं, इसमें आपको यहाँ पे एक हार्डवेयर लेवल की बेसिकली आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, सिक्योरिटी हार्डवेयर लेवल की है कि सॉफ्टवेयर लेवल की, इसको पता लगाने का एक तरीका होता है। जिस भी फोन्स में अगर यहाँ पे सिक्योर फोल्डर है, तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पे एक हार्डवेयर लेवल की एक बेसिकली डेडिकेटेड चिप देखने को मिल जाती है, जो कि आपके पर्सनल डेटा को काफ़ी सेफ रखेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे इसके स्मूथनेस की बात करें तो काफ़ी स्मूथ फ़ोन चलता है। पहली बात तो हमको इसका जो सॉफ्टवेयर है वो तो काफ़ी कमाल का है ही, हार्डवेयर भी अच्छा है और 120 हर्ट्ज़ का हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन भी होता है उसका भी काफ़ी मायने रखता है। आप यहाँ पे स्मूथनेस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना स्मूथ है, इसमें यहाँ पे एनिमेशन में कोई भी डिले नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीटास्किंग, जैसे कि यहाँ पे कैमरा एक ऐप खुली हुई है, इसके बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट भी देखिए वही जगह से ओपन हो रहा है, फिर ये गैलरी हो गई, मतलब किसी भी उसमें यहाँ पे डिले नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी स्मूथ यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस वाले फ़ोन में जो हमको दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मिलती है वो इसकी IP रेटिंग। इस वाले फ़ोन में हमको IP67 की रेटिंग मिल जाती है, जो कि और कोई दूसरी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है इस वाले रेट में। बाकी ये फ़ोन इसके थ्रू यहाँ पे 1 मीटर तक की आप पानी में डाल सकते हैं, आधे घंटे तक की तो फ़ोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि कभी जानबूझ के फ़ोन कभी पानी में ना डालें, क्योंकि अगर पानी अगर अंदर पहुँच जाता है तो ये चीज़ वारंटी में कवर नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमको ज़्यादा फीचर हमको देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो इसकी जो तीसरी चीज़ मुझे जो इसकी सबसे अच्छी लगी, वो इसका कैमरा, 32 MP की सेल्फी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे बैक में हमको बेसिकली 4 कैमरे का सेटअप मिलता है। ये वाला जो कैमरा देख पा रहे हैं बीच वाला, ये 64 MP का मेन कैमरा है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5-5 MP का मैक्रो डेप्थ, और पीछे यहाँ पे हमको LED फ्लैश हमको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये जो कैमरा ऐप है मैंने ओपन कर लिया है, और अगर मैं इसकी प्रोसेसिंग की बात करूं तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक फ़ोटो कैप्चर करता हूं तो ये देखिए कितनी जल्दी यहाँ पे हुआ जा रहा है, ये देखिए आप खुद ही देखिए, तो यहाँ पे कितनी मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम ले रहा है इसको प्रोसेस करने में, काफ़ी फास्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे सैम्पल्स की अगर बात करें दोस्तों, अब अगर यहाँ पे कैमरा सैंपल्स की बात करें तो डेफिनेटली मैं आपको मोबाइल पे नहीं दिखा रहा, आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे बेटर जज कर पाए आप उसको। तो कैमरा सैंपल्स मुझे काफ़ी सही लगे, आपको काफ़ी सेचुरेटेड से देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे काफ़ी जैसे रेड है तो उसको बहुत ज़्यादा रेड कर दे रहा है, ग्रीन है उसको बहुत ज़्यादा ग्रीन कर दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स है वो तो हमको काफ़ी सही मिल जाती है, डायनेमिक रेंज भी इसकी काफ़ी सही है। इसके बाद यहाँ पे जो बेसिकली आप सैंपल्स देखिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सैंपल्स कैसे लग रहे हैं। इसके बाद ये आपको एक पोर्ट्रेट अफेयर देखने को मिल जाता है, ये
बेसिकली यहाँ पे फंगस लगा हुआ एक गुआवा है, अमरूद है, जिसमें सोई स्मेल भी आ रही थी, लेकिन मैंने इसको रख दिया क्योंकि देखने में काफ़ी सही लग रहा था। इसके बाद यहाँ पे जो पॉटेड अफेक्ट है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अप्लाई किया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको बेसिकली एज डिटेक्शन है वो भी यहाँ पे काफ़ी सही से अप्लाई किया गया है। ये एक आपको मैक्रो शॉट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बेटर डिटेल्स के साथ में आता है, जो कि 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जो कि डेफिनेटली रियल लाइफ में थोड़ा सा वर्थित है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंडोर लाइटिंग कंडीशन में कुछ फोटोज मैं दिखा रहा हूँ। इस फोटो के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी टफ हो गई इस वाले फोन के लिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बॉटल है इसके अंदर लाइटें जल रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो रेड वाला फूल है ये इस पर फोकस ही नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी लाइट बुझाई तो इसने अच्छी डिटेल्स दी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मतलब कुछ और सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको बेसिकली यहाँ पे सेल्फी में जो डिटेल्स हैं वो तो काफ़ी सही हैं, और सैचुरेटेड इसमें भी हमको फोटोज देखने को मिलती हैं, और डायनेमिक रेंज मुझे सेल्फी की भी मुझे काफ़ी सही लगी। आप लोग यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो सैंपल्स मुझे काफ़ी सही लगे। रेयर में आपको बेसिकली OIS का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपको काफ़ी स्टेबल से वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। डायनेमिक रेंज डिटेल्स भी मुझे ठीक लगी, लेकिन सेल्फी कैमरे में मेरे ख्याल से इसमें EIS का सपोर्ट नहीं है, काफ़ी अनस्टेबल से यहाँ पे वीडियोज मिलते हैं। बाकी डायनेमिक रेंज भी मुझे इसकी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी वीडियो के मामले में, हालांकि फोटो के मामले में ये ठीक ही था। दोस्तों इस वाले फ़ोन में हमको कुछ और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे अक्सर जब कैमरा जब यूज़ करते हैं हम लोग तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं, लेकिन ये फ़ोन मुझे ज़्यादा मेजर हीटिंग इशू मुझे देखने को नहीं मिला, और एक बार भी यहाँ पे इसने बेसिकली कैमरा ऐप क्लोज़ नहीं करी, क्योंकि मैंने काफ़ी देर मैंने यहाँ पे कैमराज के यहाँ पे मैंने सैंपल्स मैंने लिए थे। इसके बाद आपको यहाँ पे इसमें 3.5 mm मेमोरी जैक का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको 30,000 वाले फ़ोन में किसी भी नहीं मिलता। हाइब्रिड सिम ट्रे मिल जाती है, इसका मतलब चाहे तो आप यहाँ पे इसमें डुअल सिम लगा सकते हैं, चाहे तो एक सिम एक मेमोरी कार्ड, तो ये सब ऑप्शन भी हमको यहाँ पे 30,000 वाले फ़ोन में तो हमको देखने को नहीं मिलते। लेकिन इस वाले फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, हालांकि इस वाले प्राइरेट में आपको यहाँ पे जो ग्लास बैक और मेटालिक फ्रेम वाली भी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे इनहैंड फीलिंग इस वाले फ़ोन की काफ़ी सही है, इसमें आपको प्रीमियम ही लगेगा, लेकिन ग्लास बिल्ड क्वालिटी वाली यहाँ पे इसमें जो डिज़ाइन वो इसमें हो सकती थी। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा कि यहाँ पे मैंने यही वाला फ़ोन क्यों लिया, बाकी मैंने और कंपनीज के फ़ोन क्यों नहीं लिए। तो वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो अपने दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।